Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. So let us start with our question number one. Which of the following is not correct? कौन सी statement जो है वो correct नहीं है? तो सबसे पहले है Robert Brown discovered cell. तो cell को किसने discover किया था? ये जो एक छोटा सा discovery वाला question है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे confused होते हैं. So Robert Brown, what did he discover? He discovered nucleus, not cell, right? So Robert Brown discovered what? Nucleus. So this means this statement is not correct, which means the correct option would be A. राइट तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी ए ही होगी. देन कमिंग ऑन टू बी सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. अच्छा ऑल्सो हु डिस्कवर्ड सेल सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक राइट इन 1665. तो दोनों के फर्स्ट नेम रॉबर्ट हैं. बस रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था राइट. तो दिस स्टेटमेंट वॉज इनकरेक्ट इन ऑल ऑफ दीज बट वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑल्सो. सेकेंड इज शील्डन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. सो दैट इज राइट शील्डन और श्वान ने ही सेल थ्योरी दी थी. और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विर्चो एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो दैट इज करेक्ट ही सेड ओमनिस सेलुला ई सेलुला ठीक है विच मीन्स सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब एक सेल है वो किससे बनेगा वो जो ऑलरेडी एक सेल है उससे बनेगा ठीक है. जैसे एक मदर सेल होता है सो मदर सेल्स गिव्स राइज टू टू डॉटर सेल्स राइट. सो दिस इज द न्यू सेल. सो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से सेल्स होते हैं. देन कम्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद इन अ सेल. सो दैट इज राइट जैसे है कि अमीबा है तो अमीबा का अमीबा क्या है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. एक ही सेल है उस सेल के अंदर ही उसकी लाइफ के सारे प्रोसेसेस होते हैं. उसमें न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन डाइजेशन सब कुछ मतलब न्यूट्रिशन इज सेम एज डाइजेशन. सो ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड विद इन द सेल. ओके सो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन द ऑप्शन दैट यू विल टिक इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर टू न्यू सेल्स जेनरेट फ्रॉम. नए सेल्स किससे जेनरेट होते हैं किससे बनते हैं नए सेल्स. सो ए इज बैक्टीरियल फर्मेंटेशन बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से बनेंगे या रीजेनरेशन से बनेंगे ऑफ ओल्ड सेल्स या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से या फिर ए बायोटिक मटीरियल से. तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन में पढ़ा सो देयर वॉज अ साइंटिस्ट विर्चाओ. सो ही सेड ओमनिस सेलुला ई सेलुला राइट. सो विच मीन्स दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो नए सेल्स हैं वो किससे बनते हैं जो ऑलरेडी सेल्स हैं उनसे बनते हैं. ओके सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. क्वेश्चन नंबर थ्री मैच द फॉलोइंग्स कॉलम वन एंड कॉलम टू. तो देखते हैं कौन किससे मैच कर रहा है. सबसे पहले है क्रिस्टी. क्रिस्टी कहाँ पर देखने को मिलते हैं जस्ट रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को देखो कैसे वो फोल्ड होते हैं उसमें ठीक है. जैसे अगर ये मेम्ब्रेन है ठीक है तो ये इनर मेम्ब्रेन में कुछ हमें ऐसे फोल्ड्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं क्रिस्टे. सो दीज आर द इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया राइट. देन कम सिस्टर्ने. सिस्टर्ने अगर हम रिकॉल करें गॉल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर तो उसमें हमें कुछ ऐसे डिस्क लाइक सैक्स देखने को मिलते हैं. तो ये जो डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं ना इन्हीं को हम बोलते हैं सिस्टर्ने राइट. देन लास्ट इज थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स
फिर से जाओ किसी सेल ऑर्गेनेल में, सेल ऑर्गेनेल में याद करो हमने किसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ऐसे ना सैक्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं थायलाकॉइड्स। कहाँ पर होते हैं, स्ट्रोमा में। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट टू रिकॉल कि कौन सी चीज आपने किस में पढ़ी है। तो जस्ट टू रिकॉल दैट दिस क्वेश्चन वॉज वेरी हेल्पफुल। लेट्स सी आर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले है सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ न्यूक्लियस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या हर एक सेल में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो देयर आर, इफ वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम प्रोकैरियोट्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम यूकैरियोट्स की भी बात करें। यूकैरियोट्स में तो देखा गया है कि न्यूक्लियस होता है, लेकिन देयर आर सम बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। सो दिस मींस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द सेल्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। होता है बट सभी में नहीं होता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन कमिंग ऑन टू बी पार्ट, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही वेल डिफाइंड सेल वॉल देखने को मिलती है। तो याद करो, हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, उनके स्ट्रक्चर्स। तो हमने देखा था कि प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है जो उसको रिजिडिटी देती है, जो उसको सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है, उनके सेल्स को स्ट्रेस वाले कंडीशंस में प्रोटेक्ट करती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन सी ऑप्शन, इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अराउंड मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे गॉल्जी एपरेटस है, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। सो दीज ऑर्गेनल्स दे आर एबसेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। अब फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, सेल्स अराइज डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटीरियल। एबायोटिक मटीरियल क्या होता है, मतलब कि नॉन लिविंग मटीरियल। तो जो हमने पढ़ा था, जो रुडोल्फ विर्चो ने स्टेटमेंट दी है कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स क्या हैं, वो लिविंग सेल्स हैं। नए सेल्स किससे बन रहे हैं, लिविंग सेल से ही, बायोटिक मटेरियल से, नॉट ए बायोटिक मटेरियल, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ मीसोसोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, मेंशन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स। तो एक मीसोसोम्स क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, पहली बात कि ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरी बात कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का एक रफ सा डायग्राम बनाएं, तो वो एक थ्री लेयर्ड वॉल होती है उनके अराउंड। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकाइलेक्स, ठीक है, उसके अंदर आती है उनकी सेल वॉल, राइट, और उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आती है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो मीजोजोम्स होते हैं ना, ये इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं। कैसे बनते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाती है एंड इट फॉर्म्स मीजोजोम्स। तो ये वाला स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट मीजोजोम, राइट। सो बेसिकली दीज आर द इनफोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, सो दीज आर द इनफोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब इनके फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं मीजोसोम के। सबसे पहली बात कि ये बीच बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर को फोल्ड होती रहती है, तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, और इस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से रेस्पिरेशन, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, तो इससे एटीपी प्रोडक्शन भी होता है। सो बेसिकली इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन दीज बैक्टीरियल सेल्स, और क्योंकि
ये अंदर को फोल्ड हो जाती हैं तो ये सरफेस एरिया भी बढ़ा देती हैं, और यहीं पर एटीपी प्रोडक्शन होता है इन्हीं मीजोजोम्स में. सो बेसिकली व्हाट डू? दे फंक्शन एज, इनका फंक्शन ना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होता है, दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल. सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय मीजोजोम्स. देन कम्स द सेकेंड वन, दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन. एंड द थर्ड वन, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. तो ये जो तीन हैं, दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ दीज मीजोजोम्स विच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, सो आई होप दिस वॉज क्लियर. मीजोसोम्स के फंक्शंस दे आर इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो मूव अक्रॉस इन द सेम वे? इफ नॉट देन हाउ आर दीज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन? तो सबसे पहली बात की, ये जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं ये कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होते हैं. दूसरी चीज की, जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, क्या वैसे ही पोलर मॉलिक्यूल्स भी मूव हो सकते हैं? और तीसरी चीज, अगर नहीं हो सकते हैं तो कैसे होंगे? ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करते हैं. कि अगर ये हमारी लेयर है, यहाँ पर से मतलब दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट बहुत ज़्यादा है तो वो इधर को आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ थी कम थी, तो यहाँ पर ये सिंपली डिफ्यूज हो जाएगा. ठीक है, जो लिपिड बैरियर है वो सिंपली डिफ्यूज हो जाएगा उसके थ्रू. लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, बिकॉज देयर इज अ लिपिड बायलेयर, तो लिपिड बायलेयर जो होती है वो इन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्रॉस नहीं करने देती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो इनको चाहिए होते हैं कुछ कुछ प्रोटीन्स, कुछ कैरियर प्रोटीन. जैसे यहाँ पर ये, यहाँ पर लिपिड बायलेयर है और ये कुछ कैरियर प्रोटीन्स है. अब यहाँ पर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इन प्रोटीन्स के थ्रू दूसरी तरफ को, मतलब सेल के अंदर को आ रहे हैं. से दिस इज द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल. तो ये जो है इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू आ रहे हैं. सो द पोलर मॉलिक्यूल्स, दे कैन नॉट पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज of the bipolar nature of the lipid bilayer. So they pass by the process of facilitated diffusion. Facilitated diffusion के से वो pass करते हैं, मतलब जो method है, जैसे हमने न्यूट्रल सॉल्यूट्स का बोला, सो दे पास बाय द प्रोसेस कॉल सिंपल डिफ्यूजन. बट इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, दे पास बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें कि कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि परमीएजेस, एंड दे रिक्वायर स्पेशल चैनल्स ऑफ दिस कैरियर मॉलिक्यूल्स. को स्पेशल चैनल्स चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करने के लिए. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, नेम टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. हमें दो ऑर्गेनेल्स ऐसे बताने हैं जिनके अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू ऑर्गेनेल्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम्स ऑफ बोथ. तो हमें कोई दो ऑर्गेनेल्स बताने हैं जिनके अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है, और दूसरा हमें उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और उनके फंक्शंस बता के उसका डायग्राम बनाना है. तो सबसे पहली बात कि कौन से वो दो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अराउंड डबल मेम्ब्रेन देखी गई है. सो दे आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस और उसके डायग्राम के साथ. सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एक्सेप्ट द मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज. जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, लेकिन बाकी हर सेल में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है. देन कम्स, इट हैज टू मेम्ब्रेन्स, जैसे कि हमने बोला दीज आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. सो दे
सो दे आर आउटर एंड इनर. सो आउटर वन इज फ्रीली परमिएबल और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है अंदर बाहर आने जाने को, और वहीं पर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल है, मतलब कुछ भी अंदर आए कुछ भी बाहर जाए सब चलता है. देन कम्स द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन्स में कुछ फोल्ड्स होते हैं अंदर की तरफ जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टे, राइट. ये हमने मैच द कॉलम्स में पढ़ा था कि ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, से दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. तो ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और यहीं पर क्या होते हैं, यहीं पर बनती है एटीपी. जो हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है ना, जो एटीपी की फॉर्म में बनती है वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट. अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस. तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो है एटीपी प्रोडक्शन. दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल. यहीं पर जो हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है वो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी, राइट. तो ये सेलुलर एनर्जी बनाते हैं. और दूसरा फंक्शन है दे आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. अब इसके बाद हम बनाएंगे इसका एक डायग्राम. तो डायग्राम में मेन जो चीज़ें हमें मार्क करनी है वो क्या है, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है. उसके बाद हम बनाएंगे अंदर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है. ये जो फोल्ड्स वाली मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये बनाएंगे, और इन्हीं फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, दीज फोल्ड्स वी कॉल देम एज क्रिस्टे, राइट. वी कॉल देम एज क्रिस्टे. देन कम्स मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है, ठीक है, फ्लूइड है, वी कॉल इट एज मैट्रिक्स. और जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. जो इनर मेम्ब्रेन है, जो क्रिस्टे हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, कुछ हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस, जहां पर एटीपी की प्रोडक्शन होती है, राइट. सो दीज आर द मेन components or the parts of the mitochondria that we need to label. और इसके सिवा mitochondria के पास अपना DNA होता है, अपने ribosomes होते हैं, जिससे कि वो अपने अंदर protein की synthesis भी कर सकते हैं. मतलब वो पूरा उनके पास एक complex होता है, से cellular construct होता है जिससे कि protein की synthesis हो सकती है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो लेट्स सी द सेकेंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दे आर द प्लास्टिड्स. मतलब जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें आते हैं क्लोरोप्लास्ट. तो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आते हैं, मतलब वो कलर देते हैं एक प्लांट को. क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होते हैं, सिर्फ प्लांट्स में होते हैं. क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस कराना, बिकॉज इनमें होती है क्लोरोफिल जो सनलाइट को कैप्चर करके क्या करती है, फोटोसिंथेसिस कराती है. फोटोसिंथेसिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में. तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, और ये अलग अलग, मतलब ये बेसिकली एक प्लास्टिड है. तो ये जो प्लास्टिड्स है ना, ये अलग अलग तरह के होते हैं, और सबसे कॉमन तरह का प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट. सो दे आर फाउंड इन द फोटोसिंथेटिक मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स. लीव्स के मीजोफिल सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ग्रीन स्टेम में भी हमें देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स. सो दे हैव टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर. आउटर इज मोर परमिएबल एंड इनर इज लेस परमिएबल. देन दे बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स हैव दिस स्पेस विच इज कॉल्ड एज प्लास्टिडियल स्पेस, राइट. दे आर द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स. मतलब इनके पास ना एक कंप्लीट मशीनरी होती है एक तरह से, जिससे ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं. इनके पास DNA होता है, RNA होता है, राइबोसोम्स होता है, तो इनके पास वो मशीनरी होती है कि ये DNA से राइबोसोम्स खुद बना सकते हैं, राइट. सो दीज आर द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स. और बाकी जो चीजें हैं, जैसे दे हैव
स्टैक, ग्रेना है, थायलाकोइड्स हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम इसका एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे. देन कम्स टू देयर फंक्शंस. तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, किसकी वजह से होती है? फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में. क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं. सो देन इज दे इवॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड देन दे स्टोर स्टार्च. स्टार्च को स्टोर करते हैं इन प्रोटीनेशियस बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स इन एल्गल फॉर्म. प्रोटीनेशियस बॉडीज में पायरेनोइड्स में ये क्या करते हैं, दे स्टोर स्टार्च. स्टार्च क्या है? बेसिकली द फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय देम. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो खाना बना था. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नाउ लेट अस सी इट्स स्ट्रक्चर. देखते हैं अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, एक डायग्राम. तो क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में सबसे पहली चीज हमें क्या बनानी है, दो मेम्ब्रेन्स, राइट, बिकॉज इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक बाहर की मेम्ब्रेन और एक अंदर की मेम्ब्रेन. ठीक है, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. ओके, सो यू विल लेबल देम एज इंटरनल मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल मेम्ब्रेन. ठीक है, या इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, वॉट एवर यू फील लाइक. सो देन कम्स दिस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कभी भी क्राम करने की जरूरत नहीं है. यू हैव अ पिक्चर, यू हैव एन आइडिया हाउ अ क्लोरोप्लास्ट लुक्स लाइक, राइट. तो आपको वही चीजें लिखनी है जैसे आपने मेम्ब्रेन के बारे में लिख दिया, और उसके साथ ये भी लिख दिया कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अब हम आ जाएंगे इनर मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, बाहर से शुरू किया आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, अब हम आ जाएंगे उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर. तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो ये हमें पोर्शन दिखाई दे रहा है, बेसिकली जो वो लिक्विड सा जो पार्ट है, फ्लूइड सा जो पार्ट है, नॉट लिक्विड बट फ्लूइड पार्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, राइट. अब हमने ये पढ़ा था कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी है. तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का ये देखो डीएनए भी है. ठीक है, इसके बाद इसमें हमें राइबोसोम्स भी देखने को मिल रहे हैं. सो दीज ऑल मेक दिस ऑर्गेनेल अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, राइट. ओके, देन कम्स टू दीज स्टैक्स. ये जो आपको स्टैक्स दिखाई दे रहे हैं ना, वी कॉल देम एज ग्रैनम. क्या बोलते हैं इनको हम? ग्रैनम बोलते हैं. और जब हम बहुत सारे बोल रहे हैं, सो दे आर ग्रेना. ठीक है, सो दीज आर द थायलाकोइड मेम्ब्रेन्स. तो अगर हम एक एक मेम्ब्रेन की बात करें, जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, सो दीज आर कॉल्ड एज थायलाकोइड्स. एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ थायलाकोइड मेम्ब्रेन. और थायलाकोइड्स के बीच में जो स्पेस होता है, दैट वी कॉल इट एज ल्यूमन. ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दैट वी नीड टू मार्क ओवर हियर. जैसे आपको एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिखते हैं, दे आर द सिंपलर वंस एंड यू कैन डायरेक्टली राइट दोज, आई मीन ड्रॉ दोज, और वहीं से निकाल कर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हो. ओके, तो कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें क्राम करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. एक प्रोकैरियोटिक सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. तो बेसिकली इनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है या फिर न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो इनमें क्या होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही न्यूक्लियोलस होता है. न्यूक्लियोलस का न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस समझ लो. ठीक है, सो there is no nuclear membrane and there is no nucleolus, right? So this is the information related to nucleus. अब nucleus में क्या क्या होता है? Nucleus में होता है genetic material, ठीक है, कुछ chromosomes होते हैं, कुछ proteins होते हैं, special proteins. तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी वो bacterial cell के अंदर होती हैं, एक prokaryotic cell में होती हैं, but they lie in the cytoplasm. ठीक है, तो जैसे हम देखें तो ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, देयर इज नो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन अराउंड इट. ठीक है, सो दिस इज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स. वैसे ही कुछ प्रोटीन्स हैं जो भी जो यहीं पर इसी साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलते हैं. सो दिस इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल.
अब जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो कैसी होती है, इट इज मेड ऑफ म्यूरामिक एसिड. म्यूरामिक एसिड का काम होता है सेल की शेप को मेंटेन करना, और जो भी इसके अंदर का कंटेंट है, वेदर इट इज अ क्रोमोसोम, वेदर इट इज राइबोसोम, साइटोप्लाज्म है, ग्रेन्यूल्स है, जो भी है उनको प्रोटेक्ट करना. ठीक है, देन कम्स द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल गॉल्जी एपरेटस, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होते हैं, इवन द माइटोकॉन्ड्रिया. देन कम्स राइबोसोम्स. किस तरह के राइबोसोम्स देखे गए हैं? सो 70S टाइप के राइबोसोम्स देखे गए हैं. देन कम्स सेल डिविजन. तो जब सेल डिविजन होती है, ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल्स भी डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है कि पहले क्या डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है. लेकिन इसके केस में क्या होता है, ऐसे ही डिवीजन होती है जैसे हमने एनिमल सेल्स में हम पढ़ते हैं ना कि स्पिंडल्स बनते हैं, फिर क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, वो सारी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती है. सो देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन. ठीक है, देन कमिंग ऑन टू साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस एक्टिविटी नहीं शो करता है. जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वो जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी बोलते हैं, वो एब्सेंट होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है, तो आई होप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे. क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन. तो ये जो वर्ड है ना डिवीजन ऑफ लेबर, इसका क्या मतलब है? जैसे हम ना प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं, तो मतलब उनमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो उनमें ना एक ही सेल होता है, पूरे ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है. जैसे हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक ही सेल होता है, वही सेल है जो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप का, जैसे हमने पढ़े हैं एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज वगैरह वगैरह, कनेक्टिव टिश्यूज. वहीं पर ये टिश्यूज मिलके कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनाते हैं, राइट, और वो ऑर्गन्स मिलके कोई ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऐसा ही पढ़ा है ना. तो होता क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये स्पेशलाइज हो जाते हैं और अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं. कोई डाइजेशन करेगा, कोई न्यूट्रिशन मतलब रेस्पिरेशन करेगा, कोई सर्कुलेशन में हेल्प करेगा फूड की, कोई न्यूट्रिएंट्स की सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, कोई ऑक्सीजन को सर्कुलेट करेगा, ठीक है, कोई एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा. सो देयर आर डिफरेंट रोल्स. कोई बॉडी की रिपेयर में हेल्प करेगा. सो इन दैट केस देयर आर डिफरेंट सेल्स विच बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर स्ट्रक्चर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. एक तरह के सेल्स होते हैं वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो दे कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. अलग अलग टिश्यूज जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और वो कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के साथ. देन ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज होता है, और उससे इंक्रीज होते हैं सर्वाइवल के चांसेस, राइट. तो आई होप दिस इज क्लियर. सो डिवीजन ऑफ लेबर से जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो बहुत ही प्रॉपर वे से चलते हैं, बॉडी की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और सर्वाइवल के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस इन ब्रीफ. सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आए, तो सेल जो है ना वो सारे के सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. क्यों? क्योंकि वो एक ही सेल के बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीबा. तो अमीबा में हमने उसकी सब कुछ पढ़ा है, कैसे न्यूट्रिशन होते हैं, कैसे डाइजेशन होते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन भी वहीं हो जा रही है, फिर एक्सक्रीशन भी वही सेल कर रहा है, रेस्पिरेशन में भी वहीं पर ऑस्मोसिस से डिफ्यूजन से हो रहा है सब कुछ, राइट. तो एक सेल जो है वो सारे के सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं. सो ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द सेल एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स. जो भी डिवीजन ऑफ लेबर्स है, अब इस सेल के अंदर भी कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इन सेल ऑर्गेनल्स में होता है. ये सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शंस वो अपने अपने काम बांट लेते हैं, राइट. वहीं पर अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें,
जैसे कि ह्यूमंस, तो इनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, वो अलग अलग सेल्स में होता है, ऑर्गन्स में होता है. जैसे हमारा एक पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से है. तो देर आर डिफरेंट सेल्स जो मिल के टिश्यूज बनाते हैं, वो टिश्यूज मिल के कोई एक ऑर्गन बनाते हैं, और अलग अलग ऑर्गन्स मिल के एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. सो दिस इज हाउ दीज सेल्स, दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कहाँ से लाइफ शुरू हुई? सेल से शुरू हुई, एक सिंगल सेल से लाइफ शुरू हुई. सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये सेल्स जो हैं यही मिल के सारा काम कर रहे हैं. कहीं पर अलग एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म का भार संभाल रहा है, वहीं पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्स मिल के कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. राइट, सिंपल एंड क्लियर. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स, स्टेट देयर फंक्शन. तो न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं, वो सबसे पहली बात की पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, जो इसका नाम सजेस्ट कर रहा है. और दूसरी चीज ही कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं. सो दीज आर द अपर्चर्स और द माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स. जब न्यूक्लियर एनवेलप में जब दो मेम्ब्रेन्स आपस में मिल रही होती हैं, तो वहां पर ये छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स. राइट, तो जब दो मेम्ब्रेन्स आपस में मिल रही होती हैं, तो इनका काम है, दे हेल्प इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की इंटरेक्शन में ये हेल्प करती हैं. देन दे अलाउ पैसेज ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, आर एन ए, प्रोटीन. तो जो भी प्रोटीन्स हैं, आर एन ए है, राइबोसोमल के सब यूनिट्स हैं, राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं, सो इनके पैसेज में ये हेल्प करते हैं. देन दे शेप द न्यूक्लियस, ऑफकोर्स क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रही है, थोड़ा सा वहाँ पर पोर्स रह जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस को शेप देने में हेल्प करते हैं. देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आर एन ए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो जो साइटोप्लाज्म है सेल का, राइट, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, इतना बड़ा भी न्यूक्लियस नहीं होता है, बट जस्ट टू टेल यू, ठीक है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है. तो ये जो पोर्स होते हैं ना, ये अंदर बाहर जाने का जो भी प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए होते हैं, उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स. क्वेश्चन नंबर 12. Both lysosomes and vacuoles are endomembrane structures, yet they differ in the terms of their functions. Comment. तो lysosomes हैं, vacuoles हैं, ऐसे ही बहुत सारे और भी ऐसे organelles हैं जो कि हमें मिलते हैं यूकैरियोटिक cells में, ठीक है. तो इसमें lysosomes हो गए, vacuoles हो गए, endoplasmic reticulum हो गया, Golgi apparatus हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? These all are considered to be endoplasmic structures. मतलब ये अलग अलग organelles हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की coordination में काम करते हैं, ठीक है. तो इसीलिए इनको बोला जाता है endomembrane structures. राइट, क्यों इनको एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं? है अलग अलग, काम अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स. अब हमें पूछा है कि लाइजोसोम्स और वैक्यूल दोनों एंडोप्लाज्मिक, सॉरी एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट है, तो हमें इस बात पे कमेंट करना है. तो अगर हम लाइजोसोम्स की बात करें, तो लाइजोसोम्स को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज सुसाइडल बैग्स. राइट, मतलब कि जो भी सेल के अंदर की डाइजेशन होती है, जो भी वेस्ट सेल के अंदर का होता है, उस सबको डाइजेस्ट कर देना, उसको ख़त्म कर देना, कोई ऑर्गेनेल खराब हो जाता है तो उसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देना, वेस्ट को रिमूव कर देना, वो सारा काम होता है लाइजोसोम्स का. दे कंसिस्ट ऑफ दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच हेल्प टू डाइजेस्ट वॉर्न आउट कॉन्टेंट एंड सेलुलर डेब्रिस ऑफ द सेल. नाउ दीज आर कॉल्ड एज वॉट? सुसाइडल बैग्स. तो ये है लाइजोसोम्स का फंक्शन. अब वहीं पर बात करें वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल का क्या फंक्शन है? इनका मेजर फंक्शन होता है स्टोरेज का. स्टोरेज ऑफ व्हाट? स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स. अगर हम एक सेल की बात करें, एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की, तो ये देखा गया है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, उनमें बहुत ही बड़ा वैक्यूल दिखाई देता है. मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल इज कवर्ड बाय दिस वैक्यूल. वहीं पर अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो उनमें
बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स हमें दिखाई देते हैं या फिर कई बार हमें मिलते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा साइज नहीं होता है वैक्यूल का। तो उसका रीजन भी हम बहुत ऑफन पढ़ते हैं कि उसका रीजन ये है कि प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इन केसेस ऑफ स्ट्रेस कंडीशंस की, बहुत गर्मी है या ड्रॉट है या कुछ भी ऐसी जो स्ट्रेसफुल वाली कंडीशंस हैं, उनमें प्लांट सेल्स खुद को नरिश कर सके और अपने आप को एकदम उस सिचुएशन में ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा रख सके। तो इसलिए वैक्यूल जो होता है वो वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है ताकि उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में वो सारी चीज़ें यूज हो सके। वहीं पर एनिमल सेल्स का क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, दे कैन ऑलवेज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वहां पर जाके वो उस कंडीशन से बच सकते हैं। वो अपने लिए घूम के खाना ढूंढ सकते हैं, वो घूम के पानी ला सकते हैं। इसीलिए वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है प्लांट सेल्स में और छोटे छोटे होते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। और इसका और फंक्शन होता है, देर इज अ सैप वैक्यूल विच स्टोर्स सैप विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दे मेंटेन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेल टर्जिडिटी, राइट। तो ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेल टर्जिडिटी। तो ये फंक्शन हो गया वैक्यूल का। तो हमने देखा कि दोनों के अलग अलग फंक्शन है। वहीं पर अगर आप बात कर लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी एपरेटस की, तो उनके भी अपने अपने काम है। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स विच वी कॉल एज राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या है, दे आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। गॉल्जी एपरेटस का क्या काम है, अब प्रोटीन्स तो बन गए, अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो वहीं पर चाहिए, वो चाहिए अलग अलग जगह पे बॉडी पार्ट्स में। तो दीज गॉल्जी एपरेटस, दीज गॉल्जी बॉडीज, दे स्टोर एंड पैक थिंग्स एंड दे जस्ट ट्रांसफर इट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसको प्रॉपरली पैक करके वो आगे भेज देते हैं। सो बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट फंक्शंस। वाइल दे आर एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स एंड दे ऑलवेज वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम्स। सबसे पहले है न्यूक्लियस, देन सेंट्रोसोम। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे इफ वी आर अ टीम, राइट, सो व्हेन वी वर्क एज अ टीम सो देर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड, राइट, और उन सबको एक चैनल पर, एक ट्रैक पर रखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ लीडर एंड विदाउट अ लीडर अ टीम इज लाइक इनकम्प्लीट, राइट। तो वैसे ही सेल के केस में होता है, अगर हम सब ऑर्गेनल्स को ले लें, सो दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दैट टीम, दे आर द मेंबर्स ऑफ द टीम एंड द वन हु इज द लीडर इज द न्यूक्लियस। सो इन द सेम वे इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। दिस मीन्स जो न्यूक्लियस है ना, वो पूरे सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच कैरीज जेनेटिक मटीरियल। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसके बाहर क्या है, दो मेम्ब्रेन से ये बना हुआ है और इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटीरियल है। अब जो इसका स्ट्रक्चर है, जब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे तो हम ये चार चीज़ें मेंशन करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो कैसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो अभी हमने पढ़े थे, कौन से पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स विच सर्व एज अ चैनल फॉर सब्सटेंसेस टू पास इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, राइट, वी जस्ट स्टडीड अबाउट न्यूक्लियर पोर्स। देन कम्स टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज समथिंग दैट इज अ फ्लूइड पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जैसे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो दिस इज द फ्लूइड फिल्ड इन द न्यूक्लियस कंटेनिंग एंजाइम्स, न्यूक्लियोसाइट्स, प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसाइट्स, वो हर एक चीज़ होती है जो जेनेटिक मटीरियल की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो देन कम्स द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, हमने अभी डायग्राम में भी देखा कुछ ऐसे कॉयल से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखे। सो दे कंटेन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, और वो कंडेंस होके क्या बना देते हैं, दे फॉर्म क्रोमोसोम्स, राइट। अब इन्हीं क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, राइट, और इन्हीं डीएनए से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, ओके। देन कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोलस। तो हमने पढ़ा था कि एक सेल है, सेल के सेंटर में, सेल में एक
सेंटर है, दैट इज द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा गोला सा हमें दिखाई देता है, एंड वी कॉल इट एज न्यूक्लियोलस. ये क्या होता है, इट इज अटैच्ड विद द क्रोमैटिन, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ ही अटैच्ड होता है, एंड इट प्रोड्यूस राइबोसोम सब यूनिट्स विच प्रोड्यूस प्रोटीन. तो इसमें वो राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं. प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, ट्रांसलेशन कहाँ पर होती है, प्रोटीन्स में होती है. तो इसके अंदर वो सब यूनिट्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है. ये उनको प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम सब यूनिट्स को जो प्रोटीन्स बनाते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है. ये चार चीजें हम मेंशन करेंगे और एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे. नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम. तो सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स नोन एज सेंट्रियोल्स, ठीक है. तो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेंट्रियोल्स होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. जैसे यहाँ पर दीज आर द टू सेंट्रियोल्स विच लाई परपेंडिकुलर टू द टू ईच अदर, ठीक है. सो टू सेंट्रियोल, सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर मेक्स सेंट्रोसोम. तो ये जो सेंट्रोसोम होता है, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग सेल डिविजन. सेल डिविजन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. देन कम्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीलिया एंड फ्लैजुला प्रोडक्शन. जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में सीलिया या फ्लैजुला की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर भी वो जो प्रोडक्शन होती है, इट ऑल्सो हैपन्स थ्रू दीज सेंट्रोसोम्स, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स दैट स्प्लिट द क्रोमोसोम. तो हमें पता है ना, हमने डिफरेंट सेल फेजेस पढ़े हैं, तो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी. तो हमने वो फेजेस पढ़े हैं जिसमें हमने देखा है कि कैसे एक टाइम ऐसा आता है कि एक तरफ से एक स्पिंडल फाइबर आधा क्रोमोसोम ले जाता है, दूसरी तरफ से दूसरा ले जाता है, और सेल जो है उसका फिर फाइनली साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं. सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ सेंट्रोसोम्स. तो स्ट्रक्चर में जब आप बनाओगे तो आप ऐसा ही कुछ शो करोगे जिसमें आप सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स बनाओगे, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप बोलोगे सेंट्रोसोम, राइट. और यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स दिखाओगे और स्पिंडल फाइबर्स दिखाओगे, राइट. सो बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही सिंपल इसके फंक्शंस हैं. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ सेंट्रोमियर, हाउ डज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. सपोर्ट योर आंसर विद अ डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो पहले बताने कि सेंट्रोमियर क्या होता है और कैसे इस सेंट्रोमियर की प्लेसमेंट से कि वो कौन सी जगह पर है उस वो बेसिस बनाता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. एंड सेकेंडली हमें डायग्राम बनाना है और डायग्राम से हमें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. तो सबसे पहला है कि सेंट्रोमियर होता क्या है. जब भी हम कोई क्रोमोसोम देखते हैं तो हमें बीच में एक राउंड सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है. तो ऐसा कुछ मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, तो ये जो बीच में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन हमें दिखाई देती है क्रोमोसोम में, जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, अटैच्ड होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, राइट. अब ये जो सेंट्रोमियर है, इट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द स्पिंडल फाइबर्स. जो हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे थे कि होता क्या है कि जो सेंट्रोसोम्स हैं वो बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जब क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, मतलब जब क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं, तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आके इन्हीं सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और इस क्रोमोसोम को स्प्लिट कर देते हैं, राइट. सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिविजन. सो बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. तो अब डायग्राम से समझते हैं इनका मतलब. तो देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है. ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. अब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर्स. अब सेंट्रोमियर्स जो हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स में कहाँ पर हैं, तो अगर आप ध्यान से इनको देखो, इन क्रोमोसोम्स को देखो, तो आपको अलग अलग जगह पर आपको सेंट्रोमियर्स देखने को मिलते हैं, राइट. तो सबसे पहले है ये, ठीक है. इसमें क्या है कि अगर आप दोनों तरफ की आर्म्स देखो ना क्रोमोसोम की, तो दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है. सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, इट इज अ मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है. अब आप नेक्स्ट वाले क्रोमोसोम पे आओ, तो इसमें जो क्रोमोसोम है ना वो थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट हुआ हुआ है,
ठीक है, सेंटर में नहीं है लेकिन थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट हो गया है. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम. देन कम्स द नेक्स्ट वन जो कि है ये, ठीक है. तो इसमें जो सेंट्रोमेयर है ना वो ऑलमोस्ट एंड तक पहुंचने ही वाला है सिस्टर क्रोमेटिड्स के, मतलब कि एक आर्म जो है वो बहुत लॉन्ग है और जो दूसरी आर्म्स है ना वो बहुत ही शॉर्ट आर्म्स हैं उसकी. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. देन कम्स द लास्ट वन. अब इसमें क्या है, इसमें ऑलमोस्ट ये लास्ट में ही है. अगर हम इसको देखें तो ये वाली जो लॉन्ग वाली आर्म्स है ना वही हमें दिखाई दे रही है, शॉर्ट वाली यू कैन से कि है ही नहीं या बहुत ही छोटी सी है. सो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है. कौन सा क्रोमोसोम है, टीलोसेंट्रिक. सो ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमेयर पोजिशन दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, राइट एंड क्लियर. तो बहुत ही सिंपल है आपको, मतलब अगर आप वर्ड पढ़ोगे वर्ड से ही टीलो मतलब लास्ट में, ठीक है, एक्रो थोड़ा सा लास्ट से पहले, मतलब बिल्कुल एंड में नहीं है सिस्टर क्रोमेटिड्स के बट थोड़ा सा अभी एंड से थोड़ा सा दूर है. वहीं पर सब मेटा, सब मेटासेंट्रिक मतलब कि सेंटर में नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेंटर में है, ऑलमोस्ट सेंटर में, थोड़ा सेंटर से शिफ्ट हुआ है. मेटासेंट्रिक मतलब कि वो बिल्कुल सेंटर में है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर है. सो दैट मीन्स मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, राइट. तो बहुत ही सिंपल है इनको अंडरस्टैंड करना और इनको ड्रॉ करना. तो इस तरह हमने डिस्कस कर लिए अपने सभी के सभी क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. तो आई होप आपको सभी के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस समझ आए होंगे. तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सेल के बारे में डिस्कस करेंगे थ्रू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस.